गाइस तो कई सारे लोगों ने बेसिकली मेरे पास कमेंट किए हुए थे जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई थी मलेशिया पे। उस वीडियो पे इतना सारा प्यार मिला आप लोगों का, लगभग 12,000 से भी ज़्यादा लोगों ने वीडियो को देखा। और कई लोगों ने बेसिकली उसी पे कमेंट किए कि भाई आपने जितने भी जॉब्स बताए जो कि आप 10th और 12th के बाद मलेशिया में कर सकते हो वो सब तो ठीक है, बट आपने उस वीडियो में थोड़ा सा एज अ कारपेंटर के बारे में बताया था कि अगर एज अ कारपेंटर आप कैसे काम कर सकते हो मलेशिया में, तो मैंने उस पर थोड़ा सा बताया था। तो लोगों ने कमेंट किया कि इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाओ, कितना सैलरी मिल जाता है, रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती है। मैं आपको तो अगर किसी भी टाइप के कारपेंटर से, ट्रिम कारपेंटर होते हैं, रफ कारपेंटर होते हैं, ग्रीन कारपेंटर होते हैं, ज्वाइस्टर होते हैं, या फिर किसी भी टाइप के आप कारपेंटर हो, सबके लिए वीडियो है, रिक्वायरमेंट सबके लिए सेम ही है। फिर मैं सैलरी बता दूंगा आपको किस कारपेंटर पे कितनी सैलरी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो पहले रिक्वायरमेंट ध्यान से सुनो। देखो अगर आपने बेसिकली इसका काम सीखा हुआ या फिर कहीं भी आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो मिनिमम 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस जरूर ले लेना। मैं पहले बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस काफी ज्यादा मैटर करता है आप लोगों के सैलरी के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। अब डॉक्यूमेंट को शेयर कर देता हूँ जो आपको जरूरत पड़ेगा। उससे पहले मैं बता दूं जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई है मलेशिया पे, उसमें और भी कई सारे जॉब्स बताए हैं जो कि आप 10th और 12th के बाद कर सकते हो, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो के बाद, वो भी देख लेना। 4-5 डॉक्यूमेंट है शेयर कर दे। देखो वैलिड पासपोर्ट हो गया आप लोगों का, एम्प्लॉयमेंट लेटर हो गया, इसको स्पॉन्सरशिप लेटर कहते हैं, इसको उसकी कॉपी आपको जरूरत पड़ती है। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट कॉपी जरूरत पड़ती है। मेडिकल थोड़ा कोरोना के बाद ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है तो मेडिकल पर काफी ध्यान देना, ठीक है। विदाउट मेडिकल तो कई सारे लोगों का सपना टूट जा रहा है, ये चीज ध्यान देना। आपको बेसिकली प्रूफ ऑफ फंड की भी जरूरत पड़ती है तो प्रूफ ऑफ फंड भी जरूरी है, ठीक है। हेल्थ और ट्रेवल इंश्योरेंस आप लोग का, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। आपके बेसिकली कलर्ड फोटोग्राफ्स, आपके बैंक स्टेटमेंट, मैंने ही बताया प्रूफ ऑफ फंड में ही लगता है। तो बस ये सारे डॉक्यूमेंट है, कुछ छूट गया हो तो कमेंट कर देना। अगर हम बात करें सैलरी के बारे में तो ऑन एंड एवरेज जो सैलरी मिलती है 2,400 मलेशिया रेंटिंग तक मंथली मिल जाता है, बट अगर आप फ्रेशर हो तो आपको 2,200 से लेकर के 3,700 तक मिल जाता है मैक्सिमम, ठीक है। तो अभी ना जब इस लॉग का डाउट कमेंट करो और बाय बाय। जाको 10th और 12th पास वाली वीडियो भी देखो, लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में।